हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर, आप लोग कैसे हैं? सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, यानी लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में आज हम लोग लेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ कि वाष्प दाब का सापेक्षिक ओनम, मतलब यह दूसरा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब का सापेक्षिक ओनम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। क्लियर? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लें यहां पर एक बर्तन हम लोग लेते हैं, एक कंटेनर हम लोग लें और यहाँ पर वाटर पूरा, क्या चीज ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा गर्म किया जाए तो यह क्या है? वाष्पशील है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो यहाँ पर वोलेटाइल नेचर का है तो यहाँ पर जब इसको गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? टूटेंगे। यानी वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा और वो वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में क्या होगा? चेंज होकर के ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है अपना क्या होगा? एक फोर्स लगाएगा, एक दाब लगाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि यहाँ पर वाटर क्या है? वोलेटाइल नेचर का है और यहाँ पर वेपर प्रेशर यानी H2O लिया गया है यहाँ पर और इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा होगा, वोलेटाइल नेचर का है तो। लेकिन अब इसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करें? डाल दें, जैसे ग्लूकोज हो जाए या मान लेते हैं चीनी हो जाए, ऐसे पदार्थ को अगर इसमें डाल दें तो क्या होगा? क्या कि पहले सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल हुआ करते थे यानी अपर लेयर पर टोटल का टोटल वाटर मॉलिक्यूल हुआ करते थे, तो वेपराइजेशन की जो मात्रा है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वेपर प्रेशर ओब्वियसली सोच सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें अगर डिजॉल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा, अब उस सॉल्यूशन में अपर लेयर पर यहां पर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल दोनों के मॉलिक्यूल अपर लेयर पर मौजूद रहेंगे। पहले केवल वाटर मॉलिक्यूल हुआ करता था अपर लेयर पर, अब यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी अपर लेयर पर आ गए। तो इस हिसाब से अगर यहां पर देखें तो वेपराइजेशन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आएगा? इसी फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो उसका वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें डिजॉल्व करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, कह सकते हैं कि सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
ऑफ योर सॉल्वेंट इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी चूंकि शुद्ध है, चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बिलियन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है। वो कैसे, यहां पर आप लोग देखेंगे क्या हमने लिखा कि सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि हमेशा जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग कैसे यह घटना हो रही है, कैसे ज्यादा होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह सकते हैं कि वेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए प्योर सॉल्वेंट then vapor pressure of the solution becomes lower. This phenomenon is called lowering of vapor pressure. When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution becomes lower. This phenomenon is called lowering of vapor pressure. यानी जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तब उस प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसी घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है वाष्प दाब, इसी घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। कभी यहां पर क्या हमने बोला कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसके प्योर सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पर मान के चलिए दैट पी नॉट इज द ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट क्या हो गया,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का वाष्प का हो गया एंड पीएस आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया पीएस। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस, क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस। यहां पर देखें हम लोग कि पी नॉट क्या माने हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिए, पीएस क्या लिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस। यानी जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को घटाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना कितनी मात्रा में वेपर प्रेशर घटा। तो इस हिसाब से अगर देखें व्हेन लोअरिंग ऑफ यानी जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सापेक्ष जब अवलोकन करेंगे तब उसे क्या कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाएगा। क्लियर, यानी कह सकते हैं कि जब वाष्प दाब के ओनमन को शुद्ध विलाय के वास्तव शुद्ध विलाय के वास्तव के सापेक्ष देखा जाता है, देखा जाता है तब इसे वाष्प दाब का सापेक्षिक ओनमन कहा जाता है। यानी जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शुद्ध यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सापेक्ष जब उसको देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम देंगे। तो यहां पर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या मिला यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है इससे संबंधित लॉ जो है वह का क्या रोल्स लॉ क्या कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। तो यहां पर हम लोग देंगे रोल्स लॉ, यह कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, इसके बराबर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो जो है आपका सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ है जो सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, इक्वल होगा। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब यहां पर कह सकते हैं इसको
पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, यह हो गया एन बाई एन प्लस एन। जैसे हम लोग जब दूसरा या पहला दूसरा क्लास हम लोग देखे थे तब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जाने, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या वहां पर निकाला गया था, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन एक सॉल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल हो गया कैपिटल एन और छोटा जो एन है स्मॉल एन है वो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है। तो इस हिसाब से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर इसी को हम लोग कहते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और हम लोग डिराइव करेंगे ताकि कुछ और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सके इससे संबंधित। वाष्प दाब का सापेक्षिक वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज मोल अंश के बराबर होता है। यही कहने का मतलब कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि यहां पर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इसको नोट कीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का दोनों में किसी एक का हम लोग निकाल सकते हैं या दोनों का निकाल सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसी को थोड़ा सा हम लोगों को तोड़ना है, तो छोटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है यानी छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एन यानी वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास बाई छोटा डब्ल्यू छोटा एन प्लस बड़ा डब्ल्यू बड़ा एन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिंस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट है तो यहां पर एक चीज हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी अब यहां पर छोटा डब्लू छोटा एन बाई बड़ा डब्लू बड़ा एम हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर आपको क्या मिलेगा, छोटा डब्लू छोटा एन बाई छोटा डब्लू बाई बड़ा एम। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट छोटा डब्लू छोटा एन इंटू बड़ा एम बाई बड़ा डब्लू कैपिटल डब्लू। तो इस हिसाब से अगर मान लें यहां पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, छोटा डब्लू बड़ा एम बाई पी नॉट माइनस पी एस इंटू डब्लू इंटू पी नॉट, यही आपका फॉर्मूला हो गया मोलिकुलर मास का।
कि अगर चाहे हम लोग कि सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इतना ग्राम सॉल्यूट को घोला गया सॉल्यूशन बना उसमें उस सॉल्यूट का मोलर मास आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे मोलर मास को हम लोग उसको प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मोलिकुलर मास को हम लोग ज्ञात करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमने क्या किया डिराइव किया। उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे कि m इज इक्वल टू w इनटू m बाय p नॉट माइनस ps इनटू w इनटू p नॉट, मतलब कि जिस सॉल्यूट को आपने घुलाया है उसका मास और जिस सॉल्वेंट में आप घुलाए हैं उसका मोलर मास बाय जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कितना घट रहा है वो इनटू किस कितनी मात्रा के सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट के छोटे डब्लू को घुलाए हैं वो हो गया जो बड़ा डब्लू और पी नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसके थ्रू हम लोग सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं।